केंट थाना पुलिस ने एनडीपीएस के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। केंट थाना पुलिस टीम ने 60 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ ट्रैक्टर जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। 16 अगस्त को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंगेरा निर्माणाधीन नई मंडी के पास एक संदिग्ध मैसे लाल रंग के पंचर ट्रैक्टर को जब्त किया, जिस पर किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। ट्रैक्टर के कंडक्टर साइड के पीछे के बड़े टायर में हवा नहीं होने के कारण टायर डिस्क से थोड़ा अलग था, उसमें से काले रंग के प्लास्टिक का कट्टा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर की विधिवत तलाशी लेते हुए दोनों टायर में 6 कट्टों में से 60 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया है। केंट टीआई साहब को सूचना मिली थी कि चंगेरा मंडी के पास एक ट्रैक्टर खराब लावे की हालत में पड़ा हुआ है। जब वहां पर जाके पुलिस पार्टी भेजी गई और चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो उसके दोनों टायर हैं उसके अंदर किसी ने डोडा चूरा की बोरी भर के और बोरियों से उसका परिवहन करने जा रहा था, उसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। जब वो टायर हटवाए गए और उसमें से निकाला गया तो उसमें करीब 60 किलो करीब डोडा चूरा मिला है, जो कि 6 बोरियों में भरा हुआ था। और उसको हमने और बारीकी से देखा तो ये पाया गया कि उसमें संभवतः पंचर हो गया और उसमें से डोडा चूरा निकलने लगा, तो पकड़े जाने के डर से वो उसको ट्रैक्टर को वहाँ छोड़कर अज्ञात आरोपी फरार हो गए। ट्रैक्टर के नंबर के आधार पर हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्रकरण कैंट थाने में पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है।